नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। आपके साथ में हूं विभांशु द्विवेदी। कोरोना संकट के बीच इन दिनों सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि 2021 में स्कूल फिर कब से खुलेंगे। दरअसल देश भर के छात्रों द्वारा पूछा जाने वाला यह सबसे आम सवाल है। कर्नाटक, पंजाब, बेंगलोर, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ट्विटर पर भी हमारे राज्य के स्कूल कब फिर से खुलेंगे जैसे सवाल ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने स्कूल खोलने की उम्मीदों पर फिर से पानी फेर दिया। हालांकि अब जब नए कोविड-19 के मरीजों की संख्या घट रही है तो इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि स्कूल अब आखिर कब से खुलेंगे। वहीं दिल्ली में अनलॉक के चौथे चरण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके बाद से स्कूलों के खुलने की अब उम्मीदें और बढ़ती जा रही। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले महीने से स्कूल खोलने की बात कही है, लेकिन बिना बच्चों के, यानी स्कूल में केवल शिक्षक ही आएंगे, बच्चे अभी नहीं आएंगे। वहीं केंद्र सरकार का भी कहना है कि राज्य सरकारें अपने यहाँ स्कूल खोलने का निर्णय तभी लें जब पूरा भरोसा हो जाए कि स्कूल जाने पर बच्चे बीमार नहीं होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कोविड-19 महामारी पर गठित एक सेंट्रल वर्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले कई तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। उन्होंने विदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशों ने जल्दबाजी करते हुए स्कूल खोले, लेकिन महामारी के बढ़ने के कारण उन्हें फिर से स्कूल बंद करने पड़े। दरअसल कोरोना की पहली लहर के वक्त पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही 25 मार्च से स्कूल बंद हो गए। तब से स्कूल बंद ही हैं। इस बीच बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द की जा चुकी हैं और अब कुछ फॉर्मूलों के तहत 10वीं और 12वीं के बच्चों के रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि कोरोना की तीसरी लहर की भी गुंजाइश जता रही है, इस कारण यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकारें स्कूल खोलने की दिशा में फूंक फूंक कर कदम बढ़ाएंगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में ज्यादातर राज्य सरकारें वेट एंड वॉच की नीति अपना रही हैं। इस बीच गर्मी छुट्टी के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। आइए जानते हैं कि किस राज्य ने कब तक स्कूल खोलने का फैसला लिया है। हरियाणा राज्य में 30 जून 2021 तक गर्मी की छुट्टी के लिए स्कूल बंद हैं। इसके बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति को देख कर ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब राज्य की बात करें तो पंजाब के शिक्षा मंत्री ने 22 मई को घोषणा की थी कि सभी स्कूल, सरकारी, सेमी सरकारी और निजी स्कूल 24 मई से 23 जून तक छात्रों, शिक्षकों, स्टाफ सदस्यों के लिए बंद रहेंगे। इसके बाद ही हालात को देखकर स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 स्थिति को देखते हुए डीएड कॉलेजों के लिए गर्मी की छुट्टी 20 जून तक बढ़ा दी है। अभी स्कूलों या कॉलेजों को खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंगलवार को घोषणा की थी कि राज्य में सार्वजनिक परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, क्योंकि राज्य कोविड के तहत प्रतिबंधों में ढील दी है। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलने की कोई घोषणा नहीं की गई। वहीं देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोविड-19 की वजह से अभी तक स्कूलों में फिजिकल क्लासेस नहीं शुरू की गई हैं। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। वहीं देश के राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर के स्कूल कॉलेजेस 30 जून तक बंद रहेंगे। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों और कोचिंग सेंटरों को अभी बंद किया गया है। ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरीके से बंद है, वहीं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जारी है। वहीं असम सरकार ने कहा है कि राज्य में मौजूदा कोविड-19 स्थिति के कारण 14 जून को समाप्त हुई गर्मी की छुट्टियों के बाद भी सभी स्कूल ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे और अधिकारियों से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक यूपी सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा नहीं की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 20 मई से छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखेंगे।
वहीं जब जब कोरोना का कहर कम हुआ तो स्कूल कॉलेज के फिर से खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई। बता दें स्कूल चरणबद्ध तरीके से फिर से खोले जाएंगे और छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर उपस्थिति होने के लिए कहा जाएगा। लगभग सभी राज्यों में बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में जाने की अनुमति देने के लिए एक लिखित सहमति आवश्यक की उम्मीद है। वहीं कक्षाओं में छात्रों के बीच शारीरिक दूरी बनाए रखना और फेस मास्क सैनिटाइजर बार बार हाथ धोना अनिवार्य किया जाएगा। बहरहाल अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। धन्यवाद।